हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाग डिवीजन से संबंधित शब्द पहेलियों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में शादी का मौसम चल रहा है। चाचा की दुकान पर ढेर सारे लोग नए कपड़े खरीदने आए हैं। चाचा के पास इस डिजाइन का कपड़ा है जो बहुत लोकप्रिय हो गया है। बब्बन की शादी बन्नो बंदरिया से होने वाली है। बब्बन को अपने सभी बारातियों के लिए इसी डिजाइन के कुर्ते सिलवाने हैं। चाचा के पास इस डिजाइन का 925 मीटर लंबा कपड़ा है। अब चाचा सोच रहे हैं, एक कुर्ता सिलने के लिए 3 मीटर लंबा कपड़ा लगता है, तो मैं 925 मीटर लंबे कपड़े से कितने बारातियों के लिए कुर्ते सिल पाऊंगा? बच्चों, क्या आप इसका हल ढूंढने में चाचा की मदद कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए हम भाग डिवीजन की प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। 925 को हम 3 से इस तरह से भाग कर सकते हैं। चाचा 308 कुर्ते बारातियों के लिए सिल पाएंगे। क्या ये 308 कुर्ते सिलने के बाद चाचा के पास इस डिजाइन का कपड़ा बचेगा? जी हाँ, 308 कुर्ते सिलने के बाद चाचा के पास 1 मीटर लंबा कपड़ा बचेगा। मैं बचे हुए कपड़े से बब्बन और उसके कुछ खास दोस्तों के लिए अपनी तरफ से रुमाल सिल कर दे देता हूँ। एक रुमाल 25 सेंटीमीटर लंबा है, तो मैं इस 1 मीटर लंबे कपड़े से कितने रुमाल बना पाऊंगा? चाचा ने सोचा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। मैं 100 सेंटीमीटर को 25 से भाग डिवाइड करके इसका उत्तर ढूंढ सकता हूँ। चाचा ने 100 को 25 से इस तरह से भाग डिवाइड किया। चाचा 1 मीटर लंबे कपड़े से 4 रुमाल सिल पाएंगे। चाचा ने सभी बारातियों के लिए कुर्ते और बब्बन और उसके खास 3 दोस्तों के लिए रुमाल सिल लिए। बब्बन की शादी खूब धूमधाम से हुई और सभी बारातियों को।